दोस्तों इन छोटे छोटे 100 इंग्लिश फिक्रात से आप बच्चों के साथ इंग्लिश बआसानी बोल सकते हैं। इस सबक की रिवीजन के लिए आप नोट्स वीडियो के बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। नोट्स डाउनलोड करने का लिंक कमेंट्स में भी दे दिया गया है। हाय एवरीवन, दिस इज आसिम एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन AQ इंग्लिश। उर्दू से इंग्लिश सीखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। तो चलिए हमारे आज के सबक का करते हैं आगाज। जब आप किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं और उर्दू में बोलते हैं ये वाला, इस बात को हम इंग्लिश में बिल्कुल छोटे से फिक्रे में बोल सकते हैं जो कि है दिस वन, और साथ में आप उंगली से या हाथ से इशारा करते हैं। वो वाला यानी जो थोड़ा दूर पड़ा हो, उसके लिए आप बोलते हैं दैट वन। तो जब आप इस तरह से इशारे करके बच्चों के साथ बात करेंगे, बोलेंगे, तो बच्चों के लिए समझना आसान हो जाएगा। तो इशारों के साथ ज़रूर बात किया करें, हैंड जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस भी दिया करें बच्चों को, ताकि उनकी बॉडी लैंग्वेज भी साथ साथ अच्छी हो। इसे करो या ये करो को हम इंग्लिश में कहते हैं डू इट। आप उंगली से बुक की तरफ या किसी भी काम की तरफ जो आप बच्चे को करने के लिए कह रहे हैं, आप उसकी तरफ इशारा कीजिए और साथ बोलिए डू इट नाउ, या आप उसे कह सकते हैं डोंट डू इट, ये नहीं करो, जल्दी करो, या इसे जल्दी करो, या ये जल्दी करो को हम इंग्लिश में कहेंगे डू इट फास्ट। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे लहजे में यानी ब्यूटीफुल इंग्लिश एक्सेंट में बात करे, तो आप कोशिश करें कि अपना लहजा इंग्लिश में बात करते हुए अच्छा रखें और मेरे पीछे पीछे रिपीट करते रहें ताकि आपका लहजा अच्छा बनता जाए। तो आप कैसे बोलेंगे डू इट फास्ट। जल्दी करो को हम इंग्लिश में बोलेंगे हरी अप। जब आपने बोलना है तो ज़्यादा गैप नहीं देना, आप इसको यूं बोलेंगे हरी अप, यानी यप बोलेंगे, ठीक है, हरी अप। नहा लो, टेक बाथ। जाकर खेलो, गो एंड प्ले। गुड बाय बोलो, से गुड बाय। एक नवाला ले लो या एक नवाला खा लो, टेक अ बाइट। एक घूंट पी लो, घूंट को हम इंग्लिश में कहते हैं सिप। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा, टेक अ सिप। अपनी किताबें बैग में रखो, put your books in the bag। कभी नहीं, never। इसे साफ करो, clean it। कोई बात नहीं, never mind। इसे दोहराओ, repeat it। मेरे बाद दोहराओ, यानी जैसे मैं बोल रहा हूँ आप अगर मेरे बाद दोहराएंगे तो इसको बोलते हैं रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद दोहराओ, मेरे पीछे पीछे पढ़ो। तो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिपीट आफ्टर मी, जैसे हम बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखा रहे हों और हम बोलें A B C, तो हम बच्चों को कह रहे होते हैं कि मेरे पीछे पीछे रिपीट करें। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं रिपीट आफ्टर मी। दोबारा कोशिश करो, ट्राई अगैन। बच्चे से अगर सवाल गलत हल हो जाता है तो आप उसे कह सकते हैं ट्राई अगैन। उठ जाओ, गेट अप। जाग जाओ, वेक अप। गेट अप और वेक अप में क्या फ़र्क होता है, वेक अप मतलब जाग जाओ, यानी नींद से जागने के लिए हम यूज़ करते हैं वेक अप, जबकि बिस्तर से उठ जाने के लिए हम यूज़ करते हैं गेट अप। खुश रहो, बी हैप्पी।
चलो एक गेम खेलते हैं. लेट्स प्ले अ गेम. लेट्स प्ले अ गेम. सीधे खड़े रहो. स्टैंड स्टिल. स्टैंड स्टिल. फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चे को पनिशमेंट दी है या कोई एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो आप उसे बोलेंगे स्टैंड स्टिल. स्टैंड स्टिल. हिलो मत. डोंट मूव. डोंट मूव. आप एक मिनट के लिए सोचिए कि आप ग्राउंड फ्लोर पर हैं. ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पर आप खड़े हैं और आप बच्चे को बोल रहे हैं कि ऊपर जाओ. अब बच्चा जाहिर सी बात है सीढ़ियों से ऊपर जाएगा. ओके, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे गो अपस्टेयर्स. गो अपस्टेयर्स. अब बच्चा ऊपर चला गया, राइट? अब आप उसे वहीं नीचे खड़े हुए बोल रहे हैं कम डाउन स्टेयर्स. नीचे आओ. ठीक है, तो आप इस तरह से कम डाउन स्टेयर्स बोलेंगे, राइट? आगे बढ़ते हैं. इधर देखो. लुक हेयर. लुक हेयर. मेरी तरफ देखो. लुक एट मी. लुक एट मी. ये लो या इसे लो. टेक इट. टेक इट. इसे पकड़ो. होल्ड इट. होल्ड इट. और कुछ? एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? और कुछ नहीं. नथिंग एल्स. नथिंग एल्स. ध्यान से. बी केयरफुल. बी केयरफुल. अभी. राइट नाउ. राइट नाउ. इसे चखो या ये चखो. टेस्ट इट. टेस्ट इट. क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? मुझे दो. गिव मी. गिव मी. ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? मुझे दिखाओ. शो मी. शो मी. मेरी बात सुनो. लिसन टू मी. लिसन टू मी. मैं जानता हूं. आई नो. आई नो. मैं नहीं जानता. आई डोंट नो. आई डोंट नो. कोई बात नहीं. नो प्रॉब्लम. इट्स ओके. खड़े हो जाओ. स्टैंड अप. बैठ जाओ. सिट डाउन. ये खाओ. ईट इट. ईट इट. आहिस्ता चलो. वॉक स्लोली. वॉक स्लोली. यहां आओ. कम हियर. ऊंचा बोलो. स्पीक लाउडली. स्पीक लाउडली. या आप इसे ये भी कह सकते हैं स्पीक अप. स्पीक अप. लाउडली का मतलब है ऊंची आवाज में, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों तक जाए. जबकि स्पीक अप का मतलब आप जब किसी को सुने तो आपको आवाज़ पूरी ना पहुंच रही हो तो तब आप बोलते हैं स्पीक अप, यानी थोड़ा ऊंचा बोलो. तो थोड़ा ऊंचा बोलो के लिए हम यूज़ करते हैं स्पीक अप. और जब हम बोलना चाहें कि ऊंचा बोलो, इतना ऊंचा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों तक आवाज़ जाए, तो हम बोलते हैं स्पीक लाउडली. या हम ये भी कह सकते हैं स्पीक अलाउड. स्पीक अलाउड. ए एल ओ यू डी. स्पीक अलाउड. खामोश रहो. कीप क्वाइट. कीप क्वाइट. अंदर आओ. कम इन. कम इन. तैयार हो जाओ. गेट रेडी. गेट रेडी. कुछ खास है? एनीथिंग स्पेशल. एनीथिंग स्पेशल. कुछ खास है पूछने के लिए आप यूज़ करते हैं एनीथिंग स्पेशल, जबकि कुछ खास है बताने के लिए आप यूज़ करते हैं समथिंग स्पेशल. जैसे मेरे पास आपके लिए कुछ खास है, तो आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू. ठीक है. रो मत. डोंट क्राई. डोंट क्राई. चिल्लाओ मत. डोंट शाउट. डोंट शाउट. जाकर पढ़ाई करो. गो एंड स्टडी. गो एंड स्टडी. सब्र करो. हैव पेशेंस. हैव पेशेंस. कभी हार मत मानो. नेवर गिव अप. नेवर गिव अप. मेरा यकीन करो. बिलीव मी. बिलीव मी. चुप हो जाओ. शट अप. शट अप. दोस्तों, शट अप एक काफ़ी सख्त सेंटेंस है, काफ़ी सख्त फिकरा है. तो कोशिश करें कि ऐसे फिकरात बच्चों के साथ ना ही यूज़ करें और समझा कर
पोलाइटली बात करके अगर बच्चे समझते हैं तो समझाएं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो शौक से यूज़ करें। इसे लिख लो, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। लड़ाई मत करो, डोंट फाइट, डोंट फाइट। कूदो मत, डोंट जंप, डोंट जंप। तुम गिर जाओगे, यू विल फॉल डाउन, यू विल फॉल डाउन। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, डू यू नो। अच्छे तरीके से पेश आओ, बिहेव प्रॉपरली, बिहेव प्रॉपरली। एक तरफ हो जाओ, मूव असाइड, मूव असाइड। थोड़ा हट जाओ, मूव अ बिट, मूव अ बिट। बराए मेहरबानी समझो, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। भूलो मत, डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट। मैं भूल गया, आई फॉरगॉट, आई फॉरगॉट। शर्माओ मत, डोंट बी शाय, डोंट बी शाय। मेज लगा दो, सेट द टेबल, सेट द टेबल। बहुत अच्छे या बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। सो जाओ, गो टू बेड, गो टू बेड। मुझे बताओ, टेल मी। पुट देम इन करेक्टली, पुट देम इन करेक्टली। यानी आप कबर्ड में, अलमारी में चीज़ें रखने की बात कर रहे हैं, ठीक है, या बुक्स या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ठीक तरह से रखी जानी चाहिए, उसके लिए आप बात कर रहे हैं, ठीक है। पुट देम इन करेक्टली, किसी चीज़ में रखने की बात कर रहे हैं। अपनी नाक साफ करो, क्लीन योर नोज, या आप ये भी कह सकते हैं क्लियर योर नोज, क्लियर और क्लीन। ये आसान है, दिस इज ईजी, दिस इज ईजी। अब तुम कोशिश करो, नाउ यू ट्राई, नाउ यू ट्राई। वापस जाओ, गो बैक, गो बैक। आप बहुत गंदे हो, यू आर वेरी बैड, यू आर वेरी बैड। तो बच्चों के साथ यूज़ करने के लिए ये एक और बुरा सेंटेंस है। आप बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड। तो बच्चों को अप्रिशिएट करें जब वो अच्छे काम करें। ओके, मेरे हाथ गंदे हैं, माई हैंड्स आर डर्टी, माई हैंड्स आर डर्टी। मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी, आई एम थर्स्टी। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। मैं आपसे नाराज़ हूँ, आई एम एंग्री विथ यू, आई एम एंग्री विथ यू। फिर हम खेलेंगे, देन वी विल प्ले, देन वी विल प्ले। झूठ मत बोलो, डोंट लाई, डोंट लाई। आपने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट, व्हाट डिड यू ईट। मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। सुस्त मत बनो, डोंट बी लेजी, डोंट बी लेजी। आप चुप क्यों हो, व्हाई आर यू साइलेंट, व्हाई आर यू साइलेंट। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे, व्हाई आर यू नॉट आंसरिंग, व्हाई आर यू नॉट आंसरिंग। क्या आप बीमार हो, आर यू सिक। चोट कैसे लगी, हाउ डिड यू गेट हर्ट, हाउ डिड यू गेट हर्ट। ठंडा पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर। आइसक्रीम मत खाओ, डोंट ईट आइसक्रीम, डोंट ईट आइसक्रीम। मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माई हैंड। बाहर मत खेलो, डोंट प्ले आउटसाइड, डोंट प्ले आउटसाइड। तो दोस्तों, ये थे 100 ऐसे फिकरात जो आप बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस हैं जो कि आपको डेली बेसिस पर बहुत अच्छी तरह से काम आने वाले हैं बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करने के लिए। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे, वी विल बी टॉकिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।